भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निःशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये जीवन मिला है, प्रकृति का हर प्राणी काम से पैदा होता है, ये उसकी मजबूरी है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। तीर्थंकर स्वयं इस प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। काम से पैदा होना ही आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हुआ करती है। कीचड़ कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त होकर के जीता नहीं है, वह कीचड़ से ऊपर आसमान में खिला करता है। कमल कीचड़ में पैदा होना मजबूरी है उसकी, लेकिन कीचड़ में जीना कीचड़ में मरना ये उसकी मजबूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कमल की तरह खिला करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बर्बाद किया करते हैं। जीवन को समझे, राम काम से पैदा हो जाओ, राम के लिए जियो, राम के हो जाओ। राम अपना हूं स्वतंत्र निश्चल काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अपने राम में लीन हो जाओ, अपने ब्रह्म में लीन हो जाओ। जीवन की एनर्जी, जीवन की शक्तियां भोग में नहीं योग में लगाने का काम करो, काम में नहीं ऊर्जा में लगाने का काम करो। ध्यान रखना, वासना आदमी के जीवन में एक नैसर्गिक गुण हुआ करता है, ध्यान रखना। पर जिनमें जो निर्वासना में जीते हैं वो संत योगी कहकर के पूजे जाते, निर्वासन ध्यान रखना। इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग पर चलना। मोक्ष मार्ग की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, जन्म से ही जीवन की चादर मैली है, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, काम में नहीं राम में जियो, भोग में नहीं योग में जियो, साधना में। ऊर्जा का दो उपयोग है, चाहे तो भोग में लगा दो, चाहे तो योग में लगा दो। बहुमृतक सण ही मसान जाही, काग ज्यो चौचे भरे। विचार करिए, पवित्रता, पवित्र मन, पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन। मालूम है दिगंबर सन्यास साधना की पराकाष्ठा हुआ करता है। तुम वॉशरूम में भी जाते हो ना नहाने, 10 बार देखते हो चिटकनी खुली तो नहीं है, ध्यान रखना। अकेले में भी नग्नता नहीं आती है, लेकिन भरी जवानी में कोई समाज के बीच नग्न हो जाए वह दिगंबर साधना हुआ करती है, ध्यान रखना। नंगा होना अलग बात है और नग्नता होना अलग बात है। नंगे तो हर कोई हो जाया करते हैं, नंगे होने को दिगंबर सन्यास नहीं कहा जाता है, नग्नता को दिगंबर सन्यास कहा जाता है। नग्नता यानी दिगंबर, दिगंबर का अर्थ क्या है? अंबर, अंबर यानी वस्त्र, दिग माने दिशाएं, दिशाएं जिसके वस्त्र बन गई हो वो दिगंबर संत हुआ करता है, ध्यान रखना। धरती बिछाना, आकाश उड़ना, ये दिगंबर संत की परिचर्या होती है, और अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटाना, ये दिगंबर संत की साथ। कितना लेते हैं तुम्हारे संत? अंजलि भर भोजन लेते हैं और दरिया भर के वापिस लौटा देते। सुबह 5:30 से शुरू होता हूं मैं, शाम को 7:45 बज जाते हैं। देते कितना? नहीं, तुम तो इतना दे दो कि कोई कमी नहीं हो हमको, लेकिन तुम देते हो लेकिन हम लेते नहीं। कमी थोड़ी है, इतना दे दो कि लाइन लगी है देने वालों की,
लेकिन लेने वाला भी तो तैयार हो। ध्यान रख, दिगंबर शरण, नंगे बदन नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना, जा जा करके लोगों को धर्म की राह पर लगाना। आज इतना जो यहां लोग दिख रहे हैं, जनसमूह दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? दिगंबर साधना की वजह से दिखाई दे रहा है। और हमारे भक्त ये सोचते हैं कि हमारे गुरु जब इतनी कठोर तपश्चरण करते हैं तो उसका एक अंश तो हम अपने जीवन में पालन जरूर कर सकते। 10 दिन तुमने वही किया है, संयम क्यों रे, क्यों यहां वहां घूम रहे, इसको बाहर कर, विचार कर। सोचना है आपको, जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के सत्य को समझो, जीवन के तथ्य को समझो। आज तक दुनिया के कोई भी परमात्मा, चाहे जैनों के हों, चाहे हिंदुओं के हों, किसी के भी परमात्मा हो, यदि उनका आसन लगता है तो गुलाब के फूल पे नहीं लगता है, मालूम है, गेंदे के फूल पे नहीं लगता, केतकी के फूल पे नहीं लगता, चंपा के फूल पर नहीं लगता है। यदि आसन उनका जब भी लगता है तो कमल के आसन पर भगवान विराजमान हुआ करते। कमलासन, कमल क्यों है? कमल निर्वासना का प्रतीक है। पूजन में काम वाड विध्वंसनाय क्या चढ़ाया जाता है? कमल का फूल। गुलाब का फूल तो वासना का प्रतीक है। गुलाब का फूल किसे दिया जाता है? भगवान को नहीं दिया जाता, किसे दिया जाता है बता दो, शर्माओ मत। हाँ, यही लक्षण है तुम्हारे। ध्यान किया क्या है तुमने जिंदगी भर? ध्यान रखना, जब शादी होती है कोई वरमाला लेकर आती है, कोई कन्या कमल के फूल की लाती है या गुलाब के फूल की लाती है? यह कमल गुलाब तो संसार का प्रतीक है, जाना। गुलाब तो आकर्षण का प्रतीक है। गुलाब जो होता है वह आकर्षित होता है, वह काम भाव को बढ़ा दिया करता है, लेकिन कमल जो होता है वह काम भाव का नाश कर दिया कर। पूजन में कमल का फूल लिखा है, कमल केत की, कमल का फूल वह चढ़ाना चाहिए। कमल पुष्प से आचार्य शांति सागर महाराज की माता को दोहला हुआ गर्भ में शांति सागर महाराज, सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा करूं, कमल का फूल चढ़ाकर भगवान की वंदना करूं। वो मेंढक था ना जो समोसरण में जा रहा था, गुलाब पंखुरी लेकर नहीं जा रहा था, क्या लेकर जा रहा था? कमल पाखरी लेकर जा। यदर चा भावे न प्रमोदित मना दर दुरी क्षणा दासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सदभक्ता शिव सुख समाज में किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। कमल पाखरी लेकर के चला, कमल का फूल तो नहीं ले जाता हूं लेकिन एक पाखरी ही ले जाऊं तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा, कमल का फूल। और आज सरकार भी काय पे चल रही है, बोलो, कमल खिल रहा है पूरे देश में। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करना, पंजा वाले नाराज मत हो जाना। तुम क्या नाराज हो गए, तुमसे तो पूरा देश नाराज है। विचार कर, हाँ ताली बजाओ, कोई काम के नहीं हो। विचार करना है आपको, सोचना है। जीवन एक संत से पूछा कि तुमने क्या छोड़ा? संत ने कहा परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, और क्या छोड़ा? स्त्री सुख छोड़ा। सुनकर बड़ा अजीब लगा ये शब्द सुनकर, स्त्री सुख छोड़ा। उस संत से कहा, कहा गया कि स्त्री सुख क्यों बोल रहे हो?
स्त्री में सुख है कहां जो छोड़ा, स्त्री में सुख ढूंढ रहे हो और कह रहे स्त्री सुख छोड़ा, तभी ब्रह्मचर्य की साधना पूरी नहीं है। उसमें सुख कहां है, हाड़ मास का पोटला, इसमें सुख कहां है। स्त्री सुख में ध्यान रखिए, कोई सुख नहीं हुआ करता है। विषयों में कोई सुख है क्या, क्षणिक सुख क्षण भंगुर। स्त्री पुरुष में सुख, पुरुष स्त्री में सुख। बहुमृतक सणही मसान जाही काग ज्यों चौचे भरे। इन वासनाओं से मुक्त हुए बिना परमात्मा के दर्शन कभी नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रख। मैं दीक्षा ले रहा था तो आज मुझे याद आ रहा एक व्यक्ति, मैं बहराइच में था, श्रावस्ती के पास उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी के आगे एक बहराइच जिला है। गुरुजी के साथ था, एक सरदार जी हमारे भक्त बन गए थे, मैं एलक था, अच्छे भक्त बन गए थे, रोज आते थे गुरुदेव के पास। उनके पास आते आते मेरे पास भी आने लगे, आकर के अच्छी चर्चा करते, धर्म चर्चा करते। उन्होंने एक दिन हमसे पूछा, मैं उस समय ज्यादा बड़ा नहीं, 22-23 साल का रहा हूं, युवा था। कौन बोला आप बूढ़े हो गए, हो गए तो हो गए, सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। युवा था, उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि गुरुदेव एक प्रश्न पूछ सकता हूं। मैंने कहा पूछो। बोले कानपुर में आपकी दीक्षा हो रही है। मैंने कहा सुना तो है, गुरु कृपा हो जाए तो दीक्षा हो जाए, गुरु कृपा होना चाहिए। तुम कितना भी नारियल चढ़ाओ, गुरु कृपा ना करें तो कहां से सन्यास प्राप्त कर लोगे। गुरु कृपा बिन संसार में कुछ होता नहीं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन पाए। मैंने कहा बोले एक बात बताओ महाराज, आप गुरु के पास आनंदित हैं कि नहीं। मैंने कहा बहुत आनंदित हो, ध्यान रखना, जो सुख घर परिवार और गृहस्थी में नहीं मिलता है वो सुख गुरु चरणों में प्राप्त हुआ करता है, गुरु की निश्रा में प्राप्त हुआ करता है, गुरु की छत्र छाया में। 10 दिन से तुम सुखी हो या नहीं, ईमानदारी से बोल रहे, ऐसे मरे मरे से कह रहे हो, सुखी हो ना, आनंदित हो ना, काय की चिंता, घर की नहीं, परिवार की नहीं, कुछ लेना नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं, कपड़े नहीं, खाना पीना मिल रहा है बंठन करके, ऐसा खाना तो पर्यूषण में घर में नहीं मिला होगा तुमको। चलने दो, आने दो, काजू किशमिश बादाम सुपारी आने दो, चार चार समोसे अंदर जा रहे हैं। बोले क्या हुआ, अरे रबड़ी मलाई काजू कतली, वाह रे पर्यूषण। और कहा जा रहा है आपके पर्यूषण ऐसे लगे कि ऐसा खाना रोज ही मिले,